अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आज की रेसिपी बहुत मजे की, चटपटे खट्टे बैंगन, जो शायद ही आपने कभी ट्राई किए हो। लास्ट तक देखिएगा प्लीज वीडियो। इसके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है बता देती हूँ। लेमन जूस लिया है मैंने, 2 लेमन का जूस लिया है, और मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी मिर्च और नमक लिया है, जीरा और सूखा धनिया और अजवाइन पिसी और काली मिर्च पिसी हुई ली है हाफ टी स्पून, और बेसन मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, और इसके साथ ही मैंने लहसुन और हरी मिर्च 2-3 हरी मिर्चों को पीस लिया है, और बैंगन 1 मैंने लिया, इस साइज में मैंने कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम इसका मसाला रेडी करेंगे। बैंगन बहुत बहुत टेस्टी और यूनिक तरीके से बनने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। फ्रेंड्स मसाला रेडी कर लेते हैं। इस कटोरी के अंदर मैं सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी। पहले मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, इसके साथ मैं कुटी लाल मिर्च और नमक और पिसी मिर्च ऐड कर रही हूँ, इसके साथ ही सूखा धनिया, काली मिर्च, अजवाइन और ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। लेमन जूस के अंदर मैंने हल्का सा फूड कलर ऐड कर लिया था, और इसके साथ ही ये कुटी मिर्च और कुटा लहसुन 2-3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब मैं लेमन जूस इसके अंदर ऐड करने लगी। इनको मिक्स अच्छे से पहले करके इसके बाद लेमन जूस हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। सब चीज़ों में पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं, और लेमन जूस इसके अंदर जितना ज़्यादा आप ऐड करेंगे आपके बैंगन उतने ही टेस्टी बनेंगे। इन चीज़ों को मिक्स करके हमने बैंगन के ऊपर लगाना है, और एक पैन में हमने सिर्फ 2-3 ऑयल चम्मच के डाल के गर्म करने रखना है। तो ये मैं बैंगन के ऊपर इस मसाले को लगा रही हूँ दोनों साइडों पर, पास ही पैन में ऑयल गर्म हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बैंगनों को लगा के ऐसे ही हम इसके अंदर डालते जाएंगे, और आँच हमने यहाँ स्लो रखनी है ताकि अच्छे से बैंगन अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। बैंगन की साइड भी चेंज कर लेते हैं साथ साथ। बैंगन बहुत बहुत टेस्टी, खट्टे और चटकारेदार तैयार हो रहे हैं। जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। पहले शायद ही आपने कभी ऐसी रेसिपी ट्राई की हो ना। बैंगन तकरीबन हमारे रेडी हो चुके हैं, दोनों साइडों से अच्छे से पक चुके हैं। इनको निकाल लेती हूँ मैं। निकालने के बाद मैं इनको आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स बैंगन के साथ मैंने दही की चटनी बनाई है, जिसके अंदर मैंने पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड की है। बहुत टेस्टी बने हैं माशाल्लाह से, देखें ये बहुत बहुत करारे, टेस्टी, खट्टे बैंगन हमारे रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसे लगे। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।